फ्रेंड्स, आप सबको मेरा जय हिंद। मैं SSP और आज हम आपको बताएंगे, कुछ क्वेरीज आई थी, कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि आज के समय में जो कुछ ड्रग लाइसेंस का प्रोसेस अब चेंज हुआ है, जैसा कि अब आजकल आपको सारा कुछ ऑनलाइन करना होता है, तो ऑनलाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डू द ड्रग लाइसेंसिंग ऑनलाइन, तो ये हम आपको रिटेल होलसेल दोनों का मैं बताता हूँ। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ड्रग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे हम अपलोड करते हैं, देखते हैं। रेडी माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन ड्रग लाइसेंस से रिलेटेड आप चाहते हैं साइट पर हम कैसे जाएं, तो आप जैसे आप गूगल ओपन कीजिए, ठीक है। गूगल के बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए fsdaup.gov.in। आप इस साइट को टाइप करेंगे, आप देखेंगे जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे इसमें पॉइंट्स ओपन होके आएंगे, तो आप उसमें जो कॉलम होगा ना, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिटेंशन, और उसमें लिखा होगा कि जैसे कि ब्रांच लाइसेंस, उसमें लिखा होगा गो डाउन लाइसेंस, इस वाले कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पे बगल में लिखा होगा क्लिक हियर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आप इसका एक साथ और आप इम्पोर्टेंट रखिएगा, हाँ, साइमल्टेनियसली आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होगा वो अपने पास रखेंगे, क्योंकि OTP आपको इस मोबाइल नंबर पे ही आएगा, और साथ में अपना आधार कार्ड भी आप पास में रखेंगे, क्योंकि आधार कार्ड नंबर भी आपको इसमें इनपुट करना है। फिर आप इसमें जाएंगे, क्लिक ऑन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको ओपन होके आएगा अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आई वुड लाइक टू रजिस्टर एज, यहाँ पे देखिए दो चीजें आएंगी, एक आएगा टेक्निकल पर्सन, दूसरा आएगा फर्म। देखिए आप टेक्निकल पर्सन को लेंगे, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे टेक्निकल पर्सन पर, तो आपका यहाँ पे आएगा, आपको आधार कार्ड अपना देना होगा, आधार कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आपको OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, OTP ऑन मोबाइल, जो भी मोबाइल नंबर है वहाँ पे OTP जाएगा लिंक मोबाइल नंबर पे, फिर आप यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के साथ आप यहाँ पे जो आपका ग्रीन कार्ड मिला है, यहाँ पे अपना ग्रीन कार्ड जो आपको उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से मिला है, और उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का जो सर्टिफिकेट मिला है, ये आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करेंगे तो आपको क्या होगा ना कि एक यूनिक आईडी मिलेगी, ये यूनिक आईडी फार्मासिस्ट की होती है, जनरेट होती है, और ये आपके लिए बड़े काम की होती है। यूनिक आईडी यानी टेक्निकल पर्सन का आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको एक यूनिक आईडी मिल जाता है, और भी अदर डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं, बट ये आपका मेन वर्क हो गया यहाँ पे करना है। फिर आता है फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, अगर आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको हम वो प्रोसेस बताते हैं। तो अगर आप फॉर्म वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ठीक है, फॉर्म ओपन होगा तो यहाँ पे फिर थ्री ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एक मिलेगा ड्रग सेल्स, दूसरा मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और थर्ड आपको मिलेगा ब्लड बैंक। तो देखिए आपको ड्रग सेल्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो फिर आपका मांगा जाएगा आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर यहाँ फिल करेंगे, फिर आपको वही OTP जाएगा मोबाइल पे, फिर आपने OTP फिल किया, फिर आप सबमिट बटन पे जाएंगे, ये आपने सबमिट किया, तो जब सबमिट करते हैं आप, ठीक है, तो सबमिट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आर यू रजिस्टर्ड यूजर ऑफ ओल्ड ऑनलाइन लाइसेंस सिस्टम, यहाँ पे एस और नो आएगा तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशंस देनी है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, ये इसमें आपको अपलोड करनी है, देनी है, अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा जो रिसेंट फ़ोटो होगा आपका, और इसके अलावा आपको परमानेंट एड्रेस,
फिर आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये आप इसमें फिलअप करेंगे। इसके अलावा आईडी आइडेंटिफिकेशन डिटेल, आपके आईडी वगैरह का डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होगा। इसके अलावा आपको लॉगिन डिटेल्स, देखिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लॉगिन डिटेल्स यानी आपका ईमेल आईडी जो पर्सनल ईमेल था, और यहाँ पे आप देखिए पासवर्ड अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी पासवर्ड करेंगे, फिर आप सबमिट करेंगे यहाँ पे। जब आप सबमिट करते हैं तो अब आपको लॉगिन करने का राइट मिल जाता है, अब आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने टेक्निकल पर्सन का रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कर दिया। जब आप लॉगिन करते हैं, अब देखिए लॉगिन आप टेक्निकल पर्सन में भी आप जाते हैं, उसका लॉगिन अलग और फर्म का अलग है। अब आपने लॉगिन किया, सपोज कीजिए अब आप लॉगिन करते हैं fsdaup.gov.in की साइट पे जा करके, तो लॉगिन करने के बाद अब आप फर्म में जाते हैं, सपोज कीजिए तो फर्म में अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल में भी आप जाएंगे तो आपको देखिए अलग अलग कॉलम्स मिलेंगे। पहला कॉलम इसमें मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का, इसमें पर्सनल डिटेल्स आपको लिखनी है, अपडेट करनी है। सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा फर्म डिटेल्स का, यानी यहाँ पे आपको फर्म का क्या नाम रखना है, ये सारी डिटेल्स आप देंगे। थर्ड ऑप्शन में जाते हैं आप तो एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल में देंगे आप, ये आपका क्या एजुकेशन है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें अपडेट करेंगे। फिर नेक्स्ट में जाते हैं तो आपका प्रीमाइसिस ओनरशिप डिटेल्स रहेगा, प्रीमाइसिस ओनरशिप डिटेल्स, यहाँ पर प्रीमाइस का एरिया क्या है, ओनरशिप वगैरह बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। और फिर देखिए यहाँ सब सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। लास्ट में आपका रहेगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए मैं फर्स्ट आपको बताता हूँ कि आपको फोटोग्राफ ऑफ शॉप, यानी जहाँ आप अपना फार्मेसी ओपन करना चाहते हैं उस शॉप का फोटोग्राफ रहेगा। सेकेंड पॉइंट बात करें तो आपका एड्रेस प्रूफ, इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। थर्ड में बात करें तो आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे। फोर्थ में हम बात करते हैं तो क्वालिफाइंग एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी जैसे एग्जांपल आप बी फार्म किए हैं तो बी फार्म का सर्टिफिकेट, डी फार्मा किए हैं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेट। फिफ्थ पॉइंट पे आप जाते हैं तो प्रूफ ऑफ बिल्डिंग ओनरशिप, कि आपका सेल्फ है या फिर आप रेंटर ले रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन पेपर आपको देना होगा। सिक्स पॉइंट की हम बात करें तो आपका आधार कार्ड, सेवेंथ पॉइंट की हम बात करें तो आपको एफिडेविट ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट यहाँ पर शपथ पत्र एक देते हैं वो। एट्थ पॉइंट की हम बात करें तो एफिडेविट ऑफ प्रीमाइसिस ओनर, जो हमारा जो दुकान है उसके जो ओनर हैं उनकी तरफ से एक एफिडेविट जाता है। और हम नाइन्थ पॉइंट की बात करें तो आपका ग्रीन कार्ड जो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से मिले हैं, और टेंथ की हम बात करें तो आपका UPPC यानी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से जो आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट मिला है। इलेवेंथ पॉइंट की बात करें तो आपको कंप्यूटराइज्ड मैप आपको अपलोड करना है। अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है लोगों को, यहाँ कंप्यूटराइज्ड मैप सिंपल, इसमें आपका ओनर का सिग्नेचर रहेगा इस मैप पे, और सेकेंड आपका रहेगा फार्मासिस्ट या मतलब कहते हैं जो प्रोपराइटर होंगे, प्रोपराइटर का सिग्नेचर यहाँ पे होगा। सिंपल कंप्यूटराइज मैप आप निकलवा लीजिए। और अगर हम 12 पॉइंट की बात करें तो इसमें फिर आपका जैसे अदर एक ऑप्शन रहेगा, अदर डॉक्यूमेंट्स भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अदर्स में जैसे आपका रेफ्रिजरेटर का बिल है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर बिल है या फिर आपका कंप्यूटर का बिल है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ अपलोड करेंगे। ये अपलोड करने के बाद अब आता है कि अपलोड हमने कर दिया तो इसके बाद वाला सिस्टम क्या है। तो देखिए जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स को जैसे तरीनी का सब देख सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप इन सारी चीज़ों का देखिए, एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप रिटेल शॉप लेते हैं तो आपको 110 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए
और अगर रिटेल प्लस होलसेल लेते हैं तो आप 154 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, अब देखिए आता है कि हमने सारी प्रोसेस सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लिया, फिर डेबिट वगैरह सारा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो फिर इसके बाद का अगला स्टेप क्या होता है? देखिए अगले स्टेप में क्या होता है कि जब आप कहते हैं देखिए, फिर आपका आता है सबमिशन ऑफ चालान। तो अब क्या है कि चालान हमें सबमिट करना होगा, तो आपने सबमिशन किया तो यहाँ पे फिर ऑप्शन खुल के आएगा कि सबमिशन जो है वो ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। तो अगर ऑनलाइन करते हैं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन के थ्रू आपका उसका कॉपी निकाल करके बैंक में जाके पेमेंट करेंगे, फिर उसकी कॉपी स्कैन करके आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ऑनलाइन करते हैं तो आप नेट बैंकिंग से वहाँ प्रोसेस दिया रहेगा, आप ऑटोमेटिक वो साइट खुलेगी, आप पेमेंट वहाँ से ऑटोमेटिक कर दीजिएगा। इसके बाद आता है ये सब करने के बाद आप जब सबमिट करते हैं, यानी ये आपका फाइनल सबमिशन हो गया, आपने सारा कुछ जो है सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिशन कर दिया। तो देखिए रिटेल के लिए आफ्टर 15 डेज आपको इसमें एक कॉलम होता है अप्रूव्ड लाइसेंसेस, इसमें जाएंगे तो अप्रूव्ड लाइसेंसेस में कॉलम में आपको ये मिल जाएगा रिटेल का लाइसेंस। और जो होलसेल का लाइसेंस होगा इसके लिए डीएलए महोदय डीआई साहब को निर्देशित करते हैं, तो वह आपकी जो फार्मेसी है शॉप है वहाँ जाके मुआयना करते हैं और इसके बाद आपको ये होलसेल का लाइसेंस इशू होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जो मैंने आपको शेयर किया। और हमने अभी आपने देखा मैंने ऑनलाइन ड्रग लाइसेंसिंग के प्रोसेस को बताया है। अभी मैं आगे की वीडियोज़ यानी कि अभी जो आप कमिंग में देखेंगे तो मैं इसके ऑनलाइन पार्ट्स भी ऐड कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, साइट्स कैसे ओपन करना, हर एक पॉइंट्स कैसे कैसे आगे बढ़ना है वो भी मैं अपलोड करता हूँ। और इस पूरे प्रोसेस में मुझे हेल्प किया मिस्टर संदीप चंद मौर्य, हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है, तो आई एम हाईली थैंकफुल टू मिस्टर संदीप चंद मौर्य हु हैज़ कोऑपरेटिव मी अ लॉट टू प्रोड्यूसिंग दिस वीडियो। ओके, तो आप इसको देखिए और अपने ऑनलाइन ड्रग लाइसेंस को आप प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक्स अ लॉट, आपने नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और यहाँ पे भी आपको जिस पार्ट्स में लगता है कि फार्मेसी से रिलेटेड कोई टॉपिक्स में आपको मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल अपलोड।